वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैथमेटिक्स में हमने लास्ट दो क्लासेस पढ़ ली थी, आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। क्लास थर्ड है और इस थर्ड क्लास में क्या है, आपका जो पांचवा एग्जाम्पल है वो है रुपये 4000 की धनराशि 15% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो, एक आप इस सवाल को सूत्र से करते हैं, किससे करते हैं, हमसे साधारण ब्याज पूछा है और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल सवाल है वैसे ये, साधारण ब्याज बराबर इसको ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब दर और टाइम मतलब समय और अपॉन में 100। थोड़ा सा गहराई से समझना है, प्रिंसिपल कितना है और रेट कितनी है 15, दर कितनी सॉरी समय कितना है 5, बटा में कितना है 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 75 और 75 को इस 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, ठीक है, कितना आ गया देखो 3000। ये 40 है, 40 पर 200 को 15 से गुणा करेंगे 3000 जाएगा, तो 3000 जो रुपये है ये क्या आ गया अपना साधारण ब्याज। बात आ रही समझ में, लेकिन हम इसे कैसे समझेंगे वो हमें आपको समझाना है। देखो एक बार, आपका मूलधन कितना है 4000 रुपये, कितना रुपये है, इस 4000 का 15% दर निकालो, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 15% की फ्रैक्शन से निकाला 600 रुपये हो गया, ये कितने साल का ब्याज है, एक साल का, तो कितने साल का, 5 साल का कितना हो जाएगा 3000 रुपये हो जाएगा, नहीं जाएगा आप बताओ, आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है। तो हमें परसेंटेज से मतलब है, हमें जो ये परसेंटेज मिलती है, और एक बात और बताऊँ, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है, जैसे मैंने कहा ये दो तरीके समझ में आ गए आपको, ये पहला तरीका था, ये सेकंड तरीका है, और तीसरा तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो तीसरा तरीका होगा वो कैसे होगा। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट कैसे बनता है, रेट इनटू टाइम जो होता है वो इंटरेस्ट बन जाता है, मतलब कुल परसेंटेज, मतलब क्या है, टोटल परसेंट, मतलब कितना ब्याज लगेगा, तो रेट कितनी है इसमें 15 और टाइम कितना है इसमें 5, इसका मतलब है 75%। समझ में आया कि नहीं आया, ये कुल टाइम मतलब जो ये बना यहाँ पर जो टाइम ये रेट इनटू जो टाइम बना, ये टोटल परसेंट मतलब ब्याज, मतलब कुल ब्याज कितना बनेगा, बात आ रही समझ में, तो जो 4000 है इसका 75% कितना होगा, 4000 का 75% की बात करें तो आप ओरल समझो, 4000 का 75%, देखो अगर इसका हम 75% निकाल रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा, ये 3000 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 3000 ब्याज, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तीनों तरीके से। तो जो भी यहाँ पर रेट और टाइम होता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, कुल परसेंटेज, जैसे साल पर कुल ब्याज, तो 5 साल का कुल ब्याज कितना है, मतलब 5 साल का ये 75% ब्याज ले रहा है, मतलब बात आई समझ में। तो रेट और टाइम को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुल इंटरेस्ट बन जाता है, मतलब कुल सब पर इंटरेस्ट, मतलब 4000 का 75% इंटरेस्ट, मतलब 3000 रुपये जो है वो 5 साल का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है, जो यहाँ पर ये अकेली जो 15% है, जो अकेले 15% इसका मतलब होता है 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, अगर हम 15 को इस 5 से गुना कर दें तो 75% का मतलब बन जाएगा ये कंप्लीट ब्याज। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है कि बहुत छोटा प्रश्न है वैसे, ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे तो इसे नोट कर लो। देखो छठा प्रश्न, 625 की धनराशि पर साधारण ब्याज 25 रुपये बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो क्या पूछा है, वार्षिक दर, जब समय को कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 साल बढ़ाया जा रहा है, तो 625 की धनराशि में साधारण ब्याज कितना रुपये बढ़ जा रहा है 25 रुपये। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो यहाँ पर ये क्या है, 625 की धनराशि है, मतलब मूलधन कितना है 625, ठीक है, और 25 रुपये बढ़ जाता है, 25 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, तो ये बन जाएगा साधारण ब्याज का अंतर, चाहे घट जाता है चाहे बढ़ जाता है, ये अंतर हो जाएगा खाली 25, और गुणा में क्या है, दर,
नहीं पता, लिख दो दर। समय कितना है, समय कितना बढ़ रहा है, दो वर्ष, तो समय का ये बन जाएगा सूत्र में अंतर। ठीक है, अगर इसमें मान लो समय नहीं पूछ, दर नहीं पूछे होती, समय पूछा होता तो फिर दर का अंतर, क्लियर बात समझ में आ रही है ना। समय का अंतर कितना है, दो वर्ष बढ़ जाता है, बटा में कितना है 100। तो देखो 25 25 625 और 25 चौक 100, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 25 से 25 कट गया, दर ऊपर है, रेट कितनी आ जाएगी बताओ, 2%। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये सूत्र वही है, बस पीछे अंतर अंतर लग जाता है, इसलिए आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करो यहाँ तक। देखो 7वां प्रश्न, एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर परसेंटेज ज्ञात करो। तो एक देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसमें प्रिंसिपल जो है ना, इसमें साधारण ब्याज जो है वो क्या है, धनराशि का मतलब मूलधन का कितना है 9/25, तो 25 इसके बटे में गुणा में चल जाएगा, SI गुणा में 25 बराबर में कितना है P × 9। तो SI 9 है और प्रिंसिपल कितना है 25। देखो अब इसमें SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100। SI कितना है 9, P कितना है 25 इंटू में रेट, टाइम कितना है 6/100, 25 एकम 25 25 चौक 100। ठीक है, 2 3 6 2 2 4, 3 6 8 9, कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 2 6, तो रेट कितनी आगे जाएगी 6%। ठीक है।